क्या आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? तो जानिए कैसे बनना है अपने ब्रेन का बॉस। आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है? ये सवाल है बड़ा पेचीदा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो इस पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए, सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी ज़रूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो यह हम बौद्धिक दर्शन से आपके लिए वे टिप्स लाए हैं जिनसे आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे शरीर का हर एक अंग एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा पूरा दिमाग पूरे शरीर में शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ में आ जाती है तो हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपके बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अपने ब्रेन के CEO बनने के बाद ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। वो कैसे, वो सब हम पर छोड़ दीजिए। वो कैसे जानने के लिए आगे बने रहे। दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उस प्रक्रिया के दौरान विचारों को उजागर करना होता है। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर्स के रूप में निकल कर आते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट देखेंगे या उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके विचार को आपके बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग के बॉस नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि आपके जो भी विचार है वह बाहर से या दूसरों से आते हैं, वह विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। ध्यान लगाना हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र रहने में सहायता करता है। संगीत पर ध्यान लगाना या किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने में और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में सहायता प्रदान करता है। यह आज का नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। ज़्यादातर लोग ओम ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। यदि आप फिजूल खाली बैठे होंगे तो आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने आप पर ओवरथिंकिंग से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचार माहौल के अनुसार आपके दिमाग में आएंगे। हालांकि ऐसे विचारों को नियंत्रण करना आसान है, बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहाँ एकाग्रता का इस्तेमाल होना होता है। आपने बचपन से ही यह कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह एक तरह से सच है। आप जीवन में होने वाली हर एक चीज के लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। यह अच्छी चीजों और बुरी चीजों के लिए, सफलता और असफलता के लिए एक सृजन शक्ति है। कुछ विचार व्यक्त के साथ साथ स्वयं बदलने लगते हैं। जैसा हमारा नजरिया होता है वैसे हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कुछ विचारों को हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं तो हम अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने की ठान लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आ सकता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते या नहीं मानते कि उनके सोचने के तरीके को बदलना संभव है। इस संभावना की वास्तविकता उनके सामने कभी नहीं आई है। कॉन्फिडेंस हमें ज्यादा आकर्षक बनाता है। खुद पर भरोसा होने से हम मुश्किल परिस्थितियों से भी आसानी से निकल आते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास बनाए रखने के तरीके के बारे में जान ले। हर व्यक्ति ऐसी स्थिति से जरूर गुजरता है जब वो खुद को कमजोर मानने लगता है, तब उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। सामने खड़ी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है कि उसका सामना करने के बजाय व्यक्ति उससे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए कॉन्फिडेंस होना बेहद जरूरी है। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन कर सकते हैं। अगर आपका खुद पर विश्वास डगमगाने लगता है तो जरूरी है कि
आप इसे बचाए रखने का तरीका सीखें। ये टिप्स आपको हर स्थिति में कॉन्फिडेंस रहने में मदद करेंगे। पहली, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति कोई न कोई खूबी होती है जो हमें दूसरे से अलग बनाती है, लेकिन कई चीजों में हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं जिससे हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसीलिए अपनी कमियों पर काम करने की कोशिश करें, साथ ही अपनी काबिलियत समझें और खुद की तुलना दूसरों से नहीं करें, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नामुमकिन काम भी आसानी से पूरे कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रखें। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुद पे भरोसा रखने में हम निगेटिव विचारों से दूर हटकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस के अनुसार आत्मसम्मान एक भावना है। कोई व्यक्ति खुद को कैसा महसूस करता है, कि वे कौन है और वे क्या कर सकते हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखने से अपना आत्मसम्मान बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अपनी कमियों पर काम करें। अक्सर किसी भी स्थिति में हम अपना कॉन्फिडेंस इसलिए खोने लगते हैं क्योंकि हम अपनी कमियों पर काम नहीं करते और मुसीबत से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी कमियों को समझकर समय समय पर खुद के बदलाव करना बेहद आवश्यक है। इससे आपको खुद को बेहतर तरीके से निखारने में मदद मिलेगी। जिन लोगों के साथ हम समय व्यतीत करते हैं वे आपके विचारों और भावनाओं को गहनता से प्रभावित करते हैं। इसलिए अपना समय ऐसे लोगों के बीच बिताने की कोशिश करें जो आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं। ब्रिटिश जर्नल और नर्सिंग के मुताबिक व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण साथ साथ चलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की तलाश करें जो सकारात्मक हो और आपके भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सके। कोई परेशानी हमें सिर्फ तभी हरा सकती है जब हम उसका सामना नहीं करते, लेकिन अपनी परेशानी या अपने डर का सामना करने के बाद हम उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के अनुसार अपने डर का सामना करने की प्रैक्टिस करने से आपके लिए उसका सामना करना आसान हो जाएगा। खुद से कहे, यह भी एक अनुभव है, जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर लिखे, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।